देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामले आज फिर बढ़ गए। पिछले दो दिनों से कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही थी, लेकिन बुधवार को फिर कोरोना के दैनिक मामलों में उछाल आया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,989 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1.11 करोड़ के पार चला गया। कल देश में 12,286 नए मामले आए थे। वही बात की जाए कोरोना के नए स्ट्रेन के मामलों की, तो स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले मंगलवार को 3 नए मामले सामने आए थे, जिससे देश में संक्रमितों की संख्या 204 हो गई। फिर दो दिन तक कोई भी मामला सामने नहीं आया, लेकिन शुक्रवार को 6 नए मामले सामने आए और संख्या हो गई 210। लेकिन शनिवार और रविवार को कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन फिर सोमवार को 3 नए मामले सामने आए और संख्या हो गई 213। लेकिन राहत की बात ये रही कि कल और आज बुधवार को कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। वही जानकारी के अनुसार विदेश से लौटे 6 लोगों में साउथ अफ्रीकी वेरिएंट और एक मरीज में ब्राजीलियन वेरिएंट पाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बुधवार को ये जानकारी दी। इनमें से हर मरीज को संबंध राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में अलग अलग कमरों में रखा गया है। उनके करीबी संपर्क में रहे लोगों को भी पृथक रखा गया है। संपर्क में आए शह यात्रियों, परिवार में संपर्क में आए लोगों और अन्य का पता लगाने की व्यापक स्तर पर कोशिश की जा रही है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।